जी हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। अबे साले, ये क्रिकेट कोई गेम नहीं बना रहा भाई, नई क्रिकेट की, एटलीस्ट इस वक्त। बट 2 सेकंड के लिए यार दिल को बहुत अच्छा लगा होगा ना। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। EA Sports, it's in the game। ये डायलॉग कितनी बार भाई हमने सुना है, एंड मैं लिख के देता हूँ भाई ये बात। ये इस क्रिकेट 2007 जो है ना, इंडिया गेमिंग के इतिहास की सबसे ज्यादा पायरेटेड वाली गेम होगी। एंड सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 10 साल 15 साल खेलने के बाद जाके मुझे पता लगा EA Sports 2 द गेम है ही नहीं भाई, EA Sports इट्स इन द गेम है। सही बता दो, आपको भी अभी पता लगा ना। एंड क्या ही आइकॉनिक गेम है भाई। आइकॉनिक गेम मतलब आज भी 2024 में भी जब भी कुछ अजीब सा कोई बड़ा क्रिकेट परफॉर्मेंस देता है, कोई बैट्समैन चौके छक्के लगाता है, तो भाई सब कहते हैं बंदा पक्का शिफ्ट बटन दबा के छक्के लगा रहा है, ये क्रिकेट 2007 वाला। एंड आज भी वो वाले नाम जो है उस समय के, धनियार, स्टैंडहार, सेवाए, वो सारे नाम पर आज भी 2024 में मीम बनते हैं एंड तगड़ा हंसाते हैं भाई हम सबको। क्रिकेटर से डुप्लीकेट भाई, हाँ मस्त कमेंट्स आते हैं भाई, ये तो ये क्रिकेट वालों को ले आए आप लोग। तो आज के गेम प्ले में हम लोग EA क्रिकेट 2007 का IPL 2024 मोड खेलने वाले हैं, पैच खेलने वाले हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये कम्प्लीटली EA क्रिकेट 2024 नहीं है, इसके अंदर आपको 2019 भी देखने को मिलेगा, 2017 भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको नए ओवरले भी देखने को मिलेंगे जो शायद 4-5 साल पुराने होंगे, जर्सी आपको 2024 की देखने को मिलेगी, स्क्वाड आपको शायद मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत बगी गेम है अभी। तो कह सकते हो आप एक मस्त खिचड़ी बनाई है ये क्रिकेट 2007 की, एंड उसको मजेदार तरीके से आज हम खेलने वाले हैं। एंड हाँ, इसके अंदर तो अभी आप लोग जैसा 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 कर रहे हो, ये बंदा जैसा तो भाई 2007 में से था एज ए एम्पायर, वो तब से गेम देखते आ रहा है। तो बिना किसी समय की बर्बादी के चलते हैं हमारी गेम की तरफ। तो फाइनली गेम यहाँ पे आ चुका है, एंड आप जिस तरह का UI चेंज देख रहे हो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पैच है वो चल चुका है, मतलब पेज जो है अप्लाई हो चुका है एटलीस्ट UI सेक्शन में। गेम मोड्स में जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, इंडियन क्रिकेट को चुनना है, एंड यहाँ पे वीवो IPL जो भी आपका वर्जन होगा, जो भी मोड आपने डाला होगा वो आ जाएगा। मैं 2019 वाला चुन रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लेवल का स्टार्ट डिफिकल्टी लगा रहा हूँ, 10 ओवर का गेम प्ले होगा, एंड 2006 का शेड्यूल मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं रैंडम लगाऊंगा तो मुझे भी नहीं मालूम क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अगली चीज जो देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर टीम सिलेक्शन। भाई अभी 2019 वाला है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 8 ही टीमें होंगी। मैंने 2 टीमें डाली हैं, गुजरात एंड लखनऊ डाली है, लेकिन वो नहीं आ रही, उसको मोड करना पड़ेगा। मैं राजस्थान चुन रहा हूँ क्योंकि कोई भी राजस्थान पे हमारे सपोर्ट करता है नहीं चैनल पे, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। और सामने कौन सी टीम आएगी वो भाई शेड्यूल डिसाइड करेगा, एंड सामने आ रही है यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद, 10 ओवर का गेम है, हैदराबाद में होने वाला है, लेट्स प्ले। यहाँ पर UI में इस तरह का कुछ है, आपको अपने जॉयस्टिक से खेलना हो जॉयस्टिक से खेलो, 2 लोग भी खेल सकते हैं जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड पे, हम कीबोर्ड पे खेल रहे हैं। एंड टीम सिलेक्शन कर लेते हैं फटाफट, इस तरह का मैंने टीम बना दिया है। अब दिक्कत यह है कि भाई दूसरी वाली टीम मेरे हाथ में है नहीं, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ गेम आगे बढ़ जाता है, और भाई नीचे वर्ल्ड कप का लोगो आ रहा है एंड पूरी वाइट हो गई स्क्रीन, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा पैच लग गया इसमें, मैं कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा। वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो आ रही है ना कमेंट्री सुन के भाई, अलग ही लेवल के। 2024 में भी 20 साल 21 साल बाद भी ये फीलिंग कोई भी PC गेम कंप्यूटर पे नहीं दे पाता है। ठीक है, टॉस सम लोग हार गए, हमारी बॉलिंग आई है, अरे यार चलो ठीक है सही है। एंड हाँ, मैं स्किप कुछ भी एनिमेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस पैच में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से दिखती है ये गेम। हैदराबाद का स्टेडियम है एंड चारों तरफ आप देख सकते हो हैदराबाद की ब्रांडिंग भी की गई है, एंड दिस इज हाउ द गेम लुक्स, कितना ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, हमारी गेंदबाजी है, मुझे देखना पड़ेगा कैसे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। ठीक है, W दबाना है, फिर उसके बाद आई थिंक कंट्रोल, हाँ, थोड़ा लैग भी शायद कर रहा है गेम क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, पैच भी बहुत सारे लगे हुए हैं। डॉट, अब मैं कपड़े दिखाता हूँ अगर नजदीक से दिखा पाते हैं तो। भाई ये देखिए, ये है हमारा राजस्थान का किट, और ना आप दूसरा वाला किट भी लगा सकते हो जो ऑफिशियल वाला है जो अधिकतर मैचेस में है, बट ये वुमेन्स स्पेशल वाला था तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। एंड भाई यहाँ पे देखो आप, हैदराबाद की किट कितनी ही जबरदस्त लग रही है। मैं एक चीज से सरप्राइज हूँ, पता नहीं क्यों मेरा लैग नहीं कर रहा, मतलब वो रिप्ले ग्लिच करता था, अभी सीख हो गया सब, और क्या ही जबरदस्त 3D फीलिंग देता हुआ गेम यार, जबरदस्त। और बैट भी देख लो भाई, SG वाला एकदम। मुझे मालूम है मेरे पास एक स्पेशल की पावर है, बट पहली बात तो मेरा कंट्रोल, हाँ अरे यार गई तो सही है, विकेट दिला दे, अरे नो बॉल चला जाता अगर मैं ध्यान नहीं देता। फ्लिक शॉट गैप में है, नहीं, अच्छा फील्डर है डीप में, बच गए, सिंगल के साथ खाता खुला। ठीक है, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी अलग हर बार से,
एंड बॉडी पे हिट हुई है, रिएक्शन देता हुआ बल्लेबाज, अरे वाइड नहीं वाइड नहीं वाइड नहीं, प्लीज हिट कर दे, स्टांस बदल के कर सकता है यार, कितना समझदार है। अरे इसकी कैप कहाँ गई अंपायर की, पहनी है कि नहीं पहनी है भाई, ये समझ नहीं आ रहा, इनविजिबल कैप पहनी है भाई साहब ने, पहनी तो है, कुछ तो पहना है। बाकी और क्लोज लुक, आउटस्विंग कराया है, एज की उम्मीद कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल, और क्या पेस है जबरदस्त, लॉफ्टेड हिट, जितना तेजी से डाली उतना ही तेजी से मार दिया है ना। हैदराबाद की टीम तो देखी नहीं क्योंकि वो अलग है भाई, अभी प्लेयर्स का नाम दिखाता हूं मैं। एंड रिप्ले देखो भाई, इस गेम का रिप्ले, 2005 की गेम का रिप्ले यार, और आप इसको रिप्ले में जाके पॉज करके भी देख सकते हो 360 में। एंड दिस इज द टीम ऑफ हैदराबाद, बाय डिफॉल्ट वाला था, मतलब ऑटोमेटिक चुनती है टीम, तो सारे प्लेयर नहीं आ पाए, मैं रिस्क ले रहा हूँ बाउंसर का, आवेश खान आए। अब दिक्कत ये है कि इसमें बाउंसर तगड़ी बाउंसर हो जाती है, इसमें एक्स्ट्रा बाउंस देता है, यार नो बॉल संभालना, ठीक है ग्राउंड शॉट है, गैप में खेल गया भाई, ये स्पेशल बॉल है जैसे WCC में आता है, RC20 में आता है, परफेक्ट लाइन, उस समय एक ही स्पेशल डालने का मौका मिलता था। अब देखना है कि एंगल में स्विंग कराऊंगा मैं, हल्का सा थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा पेस रखूंगा, हल्का सा मूवमेंट भी कराया है, लॉफ्टेड शॉट पॉइंट पर से, आई थिंक ये 6 हो सकता है, बाउंड्री गई है भाई, और ये हमारे दूसरे एम्पायर जिनको सब लोग जय शाह से कंपेयर कर रहे थे, इस बार शॉट लिया बहुत बढ़िया से भाई, देख सकते हो क्या ही मिडलिंग मारा है, मुझे एक सेकंड के लिए लगा 6 है, बट देखो जरा कितना क्लोज था, अरे काफी करीब था, वाइड तो नहीं जाएगी, इतना तो स्विंग कराऊंगा कि वाइड ना जाए, सबसे क्लोज जाता हुआ ये बॉल, ऑलमोस्ट विकेट आ गया था, सूट क्लिप ऑलमोस्ट, शट क्लिप ऑलमोस्ट, शट डाउन होने वाले थे, एकदम स्लो मैडन ओवर का चांस, मैच का तीसरा ओवर, अरे यार मैडन नहीं जाने दिया, एक रन निकाल दे, इसको भी भाई मन में भाई ईगो पे आ जाता है कि मैडन नहीं जान दूंगा। एंड भाई इनिंग्स के ब्रेक का हाल देखो, पूरा स्टेडियम हैदराबाद ही लग रहा है मेरे को, हाँ मोस्टली, ये हमारी RC की फील्डिंग सेटअप है, मतलब नाम की, लॉजिक की नहीं, एक्शन भी देख सकते हो लेफ्ट साइड में टॉप पे बॉलर का, यार बोल्ड नहीं कर पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, कर क्या रहा है ये, ठीक है वो पैरों पर से अंदर बाहर करवाता हूँ गेंद, पर वो सेट ही नहीं हो रहा कर्सर, दिक्कत वहां है, ऑफ स्टंप नहीं लेग स्टंप, आउट स्विंगर देख ली, अब इन स्विंगर देख लो ऑफ स्टंप पे कैच, अब वो मैं मिस कर रहा हूँ धोनी वाला डायलॉग, बस एक विकेट की बात है, अब तो आदत हो गई सुनते सुनते, इसमें कुछ नहीं है साहब, साउंड वाउंड कीपर वीपर का, ओवर नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम बैटिंग में कितना टफ पड़ने वाला है ये, आ लीव कर रहा है ये, तो अंदर थी भाई गेंद, मतलब हर बाहर की गेंद को लीव करोगे वाइड थोड़ी ना देगा, धूप में जले हुए यजवेंद्र चहल आए हैं, पहली गेंद की स्पेशली डालता हूँ, बट मुझे ये नहीं मालूम ये जाएगी किस तरफ, W लगा तो दिया मैंने, अरे अंदर आ रही है भाई, फंसा ले बोल्ड कर दे, ओ चहल तुम्हारे ऊपर ये भाई, दिखा दो चेहरा दिखा दो, चलो कम से कम कोई तो इन्फॉर्मेशन मैंने, अरे ये नो बॉल नहीं प्लीज, सिक्स भी मारा है शायद, अरे यार नो बॉल नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस गेम का, इन्होंने बाउंड्रीज पूरी यूज की है, मतलब बाउंड्री के किनारे पे इतनी भी जगह नहीं है भाई कि ना खड़ा रहे, खाली वो रखा है बस, इसे कहते हैं ग्राउंड का पूरा यूज करना, अभी दिल कह रहा है कि गलती कर दी तूने स्पिनर को देखे, अभी विकेट विकेट ले, स्विप शॉट कितना मस्त है यार, खाली 60 FPS से चल जाता मजा आ जाती। मैं एक बात बता दूं, मैंने पंजाब वाली जर्सी देखी है, दिल्ली वाली जर्सी देखी है, कोलकाता वाली, ओ बच गया ये भाई, बहुत जबरदस्त लगती है सारी जर्सियां, बच गए हैं इस गेंद पे, बट स्टंप पे रखो फिर बीट कराओ फिर बोल्ड करो, ओ ये तो भाई इंग्लैंड वाला अश्विन है, राइट आर्म मीडियम ग्रे बाल, और देखो सिक्का रखा उसने या फिर वो मार्किंग किया, कितना सही है भाई ये सब चीजें, मैं बता दूं हो सकता है कि आपको ऐसा लगे बॉलिंग, भाई बैटिंग में बताता हूं मैं तुम लोगों को, कैच कैच कैच, ओ कुछ तो किया इसने, ये रिप्ले आता हुआ इसका, हाँ हिट तो हुआ, फिर क्या हुआ भाई, अरे जमीन को टच हुई थी, जो जमीन को टच होके गई है ठीक है, तो फिर बल्कि अश्विन के पास ज्यादा वेरिएशन है अंदर बाहर बोल्ड से ज्यादा है एज अ फास्टर, हिट चालू भाई, लास्ट की डेथ ओवर से ऐसे ही होने वाली है, फील्डिंग में चेंज, डिफेंड 5 आता हुआ इस वक्त, स्लोवर गेंदें ज्यादा बेहतर रही है तो स्लोवर के साथ ही जाते हुए, कैच कैच विकेट,
क्लीन हिट मार रहा है भाई, आ गया स्पिनर। अरे स्पेशल लेके आया है, चलो क्विकर डालते हैं स्विफ्ट वाली, सीधा स्टंप उड़ाई हो, मजा आएगी। पेस तो भाई देखना पड़ेगा क्या आता है। कैच भाई कैच, स्ट्रेट टू द फील्डर, बोल भी रहा है बट आउट नहीं है। अरे यार मिस हो गया, स्लोवर स्लोवर स्लोवर, फंस जा। बोल्ड भाई, व्हाट अ विकेट फ्रॉम युजवेंद्र चहल, एंड व्हाट अ सेलिब्रेशन, इसी के लिए तो भाई खेल रहे थे गेम, फाइनली वर्थ इट फील होता हुआ भाई यहाँ पर सब कुछ। कितनी बढ़िया, कितना क्लासिक एज लगा, बॉल की डिजाइन भी कितनी सही है भाई पीसी के हिसाब से। एंड सुट टिप आउट हुआ है, पहला विकेट गिरा है क्योंकि रन बनाने की कोशिश में था। रिप्ले दिखाओ भाई, क्लासिक रिप्ले, वो पैड पे लग के एंड ओह पीछे से भी आ रहा है, आ हिल गया कैमरा। जेंसन आ रहे हैं, वन डाउन, मैं डाल रहा हूं फिर से क्विकर, कम ऑन मैन यू कैन डू इट। वही मीडियम पेस वाला ही फंडा है, एडवांस, ओए ऑलमोस्ट आ गई थी, एडवांस किया था उसने यार, पेस चेंज था। स्लोएस्ट बॉल, बट स्लोएस्ट गेंद चलती नहीं है भाई, तो मैं थोड़ा पेस ही रख रहा हूं। ये होती है गेंदबाजी, आ गिर गया चहल भाई, अरे जमीन वमीन सब। शेन वॉन भी बोलेंगे भाई पावर मेरे हैं, नाम खाली चहल का यूज हुआ है। लॉफ्टेड जैसे ही बोला ये विकेट नहीं मिलेगी, सिक्स लगा ही दिया बंदे, पूरा स्विंग कराऊंगा इस बार तो भले, अरे है ही नहीं स्विंग इसके पास ज्यादा। कैच 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 मैन, 52, टीम वीक बन गई भाई मेरी को, मेरे को फील हो रहा है अभी टीम थोड़ी वीक हो गई। ये मिस कीपिंग, ये सामने वाले भी करेंगे बट अभी के लिए तो मेरे को भुगतना पड़ रहा है, दो रन तो ले ही लिए ऊपर राइट साइड में, हाँ दो आए। पेस रखो थोड़ा, बहुत ज्यादा है ये, स्लो का भी हाफ है। लॉफ्टेड हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, वन बाउंस पहुंचेगी, कितने क्लोज मौके बन रहे, अभी लू ये लेकिन दूसरी तरफ, इसको क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। मैं तो भाई फुल मजे ले रहा हूँ इन लोगों के, एंड यार फील्डर रखने का कोई मतलब है नहीं, छह ही तो मार रहा है सारे। जेंसन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई, ये हेनरी क्लासन भले आप कह देते, मिस हो गया शॉट, जैसे हेनरी क्लासन बोला, एक सीधा गेंद, और मुझे फिर याद नहीं आया वो पैरों वाला यॉर्कर ट्राई नहीं किया मैंने, एक छक्का भी खा गए जाते जाते। 67 रन, क्या होगा भाई, मैं संदीप शर्मा को ट्राई किया है, लेफ्ट आर्म मीडियम भाई, कम से कम दो तीन विकेट तो गिराओ। फिर मिस कीपिंग कर दी, अरे ध्रुव जुरैली है लेकिन कर नहीं पा रहा कीपिंग पता नहीं क्यों, दो रन दे दिया एक्स्ट्रा। ओह शर्मा जी का रिएक्शन, हाँ कोई नहीं होता है होता है, चलो चलो काम पे लग जाओ। एक यॉर्कर, अरे कहाँ चली गई, स्लोअर रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, पड़ गया सिक्स ओवर का। लास्ट बॉल गुस्से में आया है भाई, सिक्स, अरे बाउंसर डाली है, शॉर्ट पिच रखी है, बैट पे आ गई, अरे डंप हो रही है पिच, क्या था ये, सोचा था स्पेशल होगी रियान के पास, नहीं है स्पेशल, एकदम मामूली से बॉलर है यार, अंदर लाने वाली गेंद है बस, 100 करवाएंगे 10 में, चल चल चल, अरे यार स्टंप मिस हो गया, एडवांस कर रहा है, अरे आगे बैट पे द्रविड़ शॉट, कवर ड्राइव, एडवांस कवर ड्राइव, 4 रन, स्क्रीनशॉट आज के दिन का अभी तक का, अरे एक नंबर भाई एक नंबर, गैप कैसे निकाला वो देखने लायक है यार भाई। ये रिप्ले देखो इस गेम का, दिस इज द रिप्ले टू लुक आउट, आहा क्या ही स्लो मोशन में आया है एंगल में, एंड गैप के लिए भाई 100 में से 100 पॉइंट। क्या ये बोल्ड हो सकता है, मैंने स्लोवर रख दिया, वो बैट पे स्विप आउट ना मार ले, अरे लॉन्ग ऑफ शॉट, 100 पूरे, अब ये गेंद कितनी टप्पी हो जाएगी, 4 टप्पी 3 टप्पी, ओए कितनी टप्पी में गई, नौ बॉल दे दी, वो तो अच्छा उस वक्त फ्री नहीं होता था बट एक्स्ट्रा तो दिया एक, मतलब सब स्लॉट में ही देनी पड़ेगी, ये शॉट बदल के खेले तो बात अलग है, हम पेस भी तो दे सकता हूँ ना। स्विप शॉट स्लॉग हिट, मिस हुआ, थोड़े से मिस हो गया बैट्समैन से, बाकी आउट के चांस नहीं थे, कुछ भी कह दो भाई विकेट नहीं ले पाया यार मैं, 3 स्टार में इतना डिफिकल्ट है 3 स्टार में विकेट लेना। एडवांस लॉफ्टेड, कम्स द लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग, हैदराबाद ने सेट किया है टारगेट 100, और लग गया स्लॉग,
लग गया सिक्स, 115 रनों का टारगेट, 116 का चेज दिया है। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की बंदों ने यार, मतलब बॉल टू बॉल नहीं, 6-7 के स्ट्राइक से खेल रहे थे, 8 ले लो, 10 के ऊपर जाएगा नहीं सोचा था। बैटिंग टफ होगी, इजी आई डोंट नो। बाकी जयसवाल एंड बटलर आ रहे हैं, अब हमारी टीम तो ओरिजिनल नाम वाली है तो देखो क्या होता है। मैं हाँ सब कुछ प्ले होने दे रहा हूँ, एनिमेशन, क्योंकि भाई फिर पता नहीं कब खेलने का मौका मिलेगा। सिर्फ दबा लिया है थोड़ा, पहली गेंद संभाल के बाकी सब ठीक है। रन वन भाई देख के दौड़ना, फर्स्ट बॉल कॉन्फिडेंस से भरपूर, पहला हिट लॉफ्टेड एंड दैट्स अ सिक्स। फ्लिक फ्लिक भी मारेंगे जरूरत पड़ने पर, बंदा यॉर्कर डाल करेगा तब तो फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इज द बेस्ट। स्ट्रेट शॉट, इस स्लूवर डाल दी और रन आउट हो गया, पागल कहीं को। कैच नहीं हुआ है, कीपर तो अपनी पोजीशन में था, बॉलर आए नहीं आगे, क्लासन वन ने रन आउट कर दिया पकड़ के भाई थ्रो। ये बहुत कितनी दूरी से आउट हुआ भाई मैं, हट बोला था मैंने पहले कि रन आउट संभालना भाई। संजू सैमसन आए लेफ्ट हैंडेड, 21 का हमारा रन रेट है, मैं तो डर गया पहले 21 का रिक्वायर रन रेट। कवर्ड राइट टाइम सिक्स, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ तो बाकी है अभी, गुड लेंथ के लिए अपना यही बेस्ट है। चल चल भाई, दे चौका दे छक्का, चल हो जाए, अंदर आ रही है, धूम धड़ाका स्ट्रेट, बहुत रिस्की है स्ट्रेट, बहुत रिस्की, दो दौड़ाऊं बस जाएगा स्ट्रेट, बहुत रिस्की मान रहा भाई, इंतजार रहेगा पहले लॉफ्टेड स्ट्रेट सिक्स का। शुरुआत मस्त हुई है भाई, 15 रन पर ऊपर, एक विकेट खो दिया तो विकेट संभाल के, क्योंकि आगे डिफिकल्ट हो जाएगा मैच। पुल किया है, फील्डर खड़ा है और ये छे जाएगी। अभी तक एक भी कैच डीप में देखने को नहीं मिले स्ट्रेट। मैंने अभी कहा है कि भाई स्ट्रेट सिक्स मारना इज द बिगेस्ट चैलेंज, और उसको पूरा कर दिया है यहाँ पे। पहली ओवर में थोड़ा सा खराब था फॉर्म, बट फाइनली वी आर इन द गुड फॉर्म, करंट रन रेट 20.25। ओए एक सेकंड के लिए लगा शायद एज लगेगी, बट नहीं, स्ट्रेट क्लीन हिट कवर पे, क्या मौका, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे एडवांस कहाँ, गलती से दब गई बटन की, मेरी उंगली उसी के ऊपर थी यार। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने अपने सबसे बेस्ट बैट्समैन को खो दिया, बटलर को, उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या हुआ, कैसे आउट हुआ। एंड महमूद ने विकेट निकाला है, जो कि कभी मैं खेले ही नहीं है भाई इस साल आईपीएल, आउट नहीं होना था यार ऐसे, बहुत दुख होता है। कुछ भी हो जाओ बोल्ड मत हो। 116 का टारगेट, एक और तेज गेंदबाज, पैरों पे गेंद, फ्लिक किया है गैप में, डबल 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 डबल, फर्स्ट डबल होंगे ये, ट्रिपल नहीं, ग्राउंड शॉट से अगर काम, चलो पहला लॉब एडवांस, ऐसे मत आउट हो भाई, कुछ भी हो जाए ऐसे मत आउट हो यार, देखने का मन नहीं कहता। संजू सैमसन 9 पे आउट, मिडल उड़ा है भाई, पीछे का दृश्य तो इतना भयानक होगा कि देख के रूहें कांप जाएंगी यहाँ पे भाई, प्रेशर बढ़ गया है बहुत। अब यॉर्कर पर भी, अरे बाउंसर मिली, बीट हुए, एक रन था। पावेल एंड जुरेल इस वक्त उम्मीदें इन्हीं दोनों पे होंगी, फ्लिक घुमाई दे, स्टंप पे तो है नहीं, गैप में गया है, डबल 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 डबल, ठीक है, डाई 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 डाई, ओ क्लोज रह रहा है, शॉट तो है, कीपर ने पकड़ लिया भाई, नजर मत हटा स्क्रीन से, कभी भी ड्रॉप कर सकता है कीपर, ठीक है, 79 रन और चाहिए, बीट होना चाह रहा हूँ। टाइमिंग मीटर कहाँ है, हाँ लेफ्ट साइड में ऊपर आप देखो, उसमें है कुछ, समझना पड़ेगा मेरे को भी क्या है वो। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस है बैट्समैन का, वो तब तक लॉफ्टेड नहीं मार पाएगा जब तक कि वो फुल नहीं हो जाता मीटर। डबल 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 डबल, डाइव कैसे मारता है, भूल गया मैं, अरे वापस चला गया, डी से मारता होगा, ये दबा दिया मैंने यार, नूब हरकत, एकदम नूब वाली हरकत, तो बुमराह लग रहा है भाई, रन आउट कर दिया लेकिन पावेल को, क्या जीतेगा रे, का कॉन्फिडेंस उनसे तो बेहतर है, बट गेंद उससे भी बेहतर, शॉट हमने अच्छा हिट, रहने दे भाई तू, तेरे से नहीं हो पाएगा आज। एक और विकेट खोते हुए भाई, जो अभी तक कभी नहीं हुआ, डीप विकेट कैच आउट यहाँ पर होता हुआ स्ट्रेट लाइन पे, स्टंप्स के सामने ही गेंदबाजी कर रहा है, एकदम सटीक लाइन लेंथ, शून्य पे आउट पर आ हो गया मैच।
बाउंड्री शॉट में थोड़ी कमी है, जा रही है कि नहीं बाउंड्री? हाँ चली गई चली गई, अश्विन भैया के ऊपर सब कुछ आ गया, कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। भाई क्या कर रहे तू, क्या बोलू भाई मैं, अरे पिछली गेंद पे लगा था ये ऑर्गर, इस बार मिस हो गया, क्लीन बोल्ड चार पे, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। हालत आड़ा ताड़ा मार रहे हो भाई आप, चार मिलेगा भी तो कोई खुशी होने वाली बात? हाँ चलो मिल गया, 40 पहुंचा स्कोर, स्पिनर आ गया। अब इस पे तो टाइमिंग समझने में पूरी ओवर निकल जाएगी, ऊपर से स्टंप पे डाल दिया तो और दिक्कत है, ऊपर से और ऐसे तो इस ओवर में ही आउट है भाई हम लोग, और करो रन चेस। और हमारे मैं तो हारा था टॉस यार, मेरे हाथ में नहीं था ये। यजवेंद्र चहल है, अर्ली खेलना है कि लेट खेलना है अभी नहीं पता, हाँ अर्ली खेलना है। ओके मार दे भाई 50 रन, गिरती हुई गेंद दे दे पहले पिच। अरे यार कितनी यॉर्कर डालेगा, नहीं नहीं रन नहीं है, 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 दो रन दिखा रहा है ऊपर, मतलब दो तो है ही, डी से डाइव था ना, नहीं 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 वापस, डी से रन दौड़ता है, डी से रन दौड़ता है, मैं भूल, तो डाइव किससे मारता है भाई मैं बता नहीं सकता, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, डी से, हाँ यार डी से तो रन दौड़ता था। अरे सब बहुत बढ़िया जा रहा है मेरा, कैच नहीं, दो रन, नहीं 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 नहीं, नहीं दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा, अब क्या डाइव मारूं मैं, मुझे याद ही पता ही नहीं। बाकी स्पिनर को खेलने में है मजा, कुछ भी कह दो, स्पिनर को खेलना है आसान, इसकी ओवर मिल जाए तो 15-16 मार सकता हूँ। और एक सेकंड के लिए लगा स्पिनर आ रहा है, फील्डिंग अभी भी काफी ईजी है मेरे हिसाब से, बड़े वे फास्टर है, अर्ली खेलना, स्पिनर पे भी अर्ली था, इस पे भी अर्ली होगा, स्टंप पे बचा के बाद खाली। अरे चल तो सही, कंट्रोल ही नहीं चला। क्या होगा यार इसका, मेरा सेलिब्रेट कर लो भाई हैदराबाद। शर्मा जी आउट, बोल्ड हुए, हिले डुले ही नहीं, लीव कर रहे भाई। लास्ट विकेट आ गई 116 के टारगेट के सामने, आई डोंट नो क्या होगा। उठाना, वापस डायरेक्ट हिट, उनको टारगेट कर रहा हूँ, अगर बचा रहा तो, पिच कर दिया, अर्ली खेलेंगे, गया घायल भाई, इंजरी। एक लास्ट बॉल है, सर्वाइव कर जा, फिर शायद स्पिनर आएगा, उस पर तो मार ही सकता हूँ मैं, स्ट्रेट, रन ही नहीं है कहीं। अरे देखना, अरे अंदर जा अंदर जा, गया वो, दया खा के मेरे को लगता है पता है जीत रहे हैं इसलिए नहीं उड़ाया स्टंप, खेल भावना दिखाई है, खेल भावना। स्पिनर तो आ गया लेकिन फील्डिंग खतरनाक रखी है, मारूंगा लॉपटेड भाई, क्योंकि लॉपटेड के बिना आप जीतने वाले हो नहीं इस गेम प्ले में। बीट 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 बीट, चलो चलो 8 रन करो पहले, फ्लैट, ओए पहले 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 दो दौड़ा दिया है, दो दौड़ा दिया, दो दौड़ा दिया है, कम ऑन मैन, नाइस रनिंग बॉय। चलो चलो 4 रन और, अरे यार ये मिस हुआ है, थोड़ा सा अजीब, दिस इज ओवर भाई, दी एंड होता हुआ, राजस्थान सिर्फ 66 पे आउट हो चुका है, एंड हैदराबाद इज अ बेटर टीम एटलीस्ट आज के दिन के गेम प्ले में। भाई अगली बार कौन सी टीम के साथ खेलूं मैं बता दूं, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, इस मतलब टीम बनाने में, क्योंकि गेम बहुत बगी है भाई, मतलब मेरा गेम प्ले रिकॉर्ड हो गया, मैं इस बात से बहुत खुश हूं, अदरवाइज मैं बहुत डरा हुआ था। अजीत महमूद को मैन ऑफ द मैच मिलता हुआ हैदराबाद की तरफ से। तो भाई अगर आप स्क्वाड में को, मैं भी गेम बंद कर दूंगा ना, सब मिट जाएगा मेरा, मुझे फिर से जाके एडिट करना पड़ेगा सब कुछ, सारे प्लेयर्स के नाम, सारे टीमों के नाम, तब जाके वो एक मैच खेलने लायक, या एक बार जब तक बंद नहीं करते तब तक होगा। तो भाई प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, 1000 लाइक आज भी चैलेंज दे रहा हूँ, बहुत आसान है भाई, कर सकते हो आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, और नए गेम प्ले के साथ, कुछ और नए वीडियो के साथ, या फिर अपनी पुरानी सीरीज जो हुई है अभी तक उनको कंटिन्यू करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सपोर्ट दिखा दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, बाय बाय बाय।